हेलो फ्रेंड्स, मैं सी डॉक्टर विकास विजय और आज ये जो वीडियो है पार्ट फोर है। जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं चार एनसीईआरटी के आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि नॉर्मली बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो पिछला थर्ड पार्ट में आप देखना, वो हमने क्वेश्चन लिया था बहुत बेसिक, वो भी एक वन ऑफ द अच्छा क्वेश्चन था जिसमें नंबर ऑफ मेंबर्स के बेस पे हमने एक नॉट फॉर प्रॉफिट की ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया। आज ये कंक्लूडिंग पार्ट है और इसमें मैं अभी तक जितना भी अभी तक डिस्कस किया है सबको मैं समराइज फॉर्म में क्वेश्चन लेके आया हूँ, जहाँ पर इसको करने के बाद अब आप कह सकते हैं कि यस कि मेरा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग हो चुका है। और इन चार प्रॉब्लम्स को आप बार 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 करिए और डेफिनेटली आप टेक्स्ट बुक से कर चुके हैं और सैम्पल पेपर के क्वेश्चन भी कर चुके होंगे, बट इन चारों प्रॉब्लम को करने के बाद इस टॉपिक के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस बन जाएगा। और जो मैंने हॉट क्वेश्चन डिस्कस किए थे आपसे पहले, छोटे छोटे दो वीडियो हमने शेयर किए थे, उसका भी मैं लिंक आपको इसी वीडियो के साथ दे दूंगा ताकि अब तक के जितनी भी वीडियोस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के हैं आप एक साथ देख सकते हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चे मैं कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अकाउंट्स को नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से जो रेड कलर का बटन है उसको प्रेस कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी आप क्लिक कीजिए, ताकि और भी जो आने वाली फर्दर चैप्टर्स के मैं बहुत ही अच्छे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो आपको डायरेक्ट मिलता रहे। तो आज इस वीडियो में हम देखते हैं कि हमने एक प्रॉब्लम लिया है और ये प्रॉब्लम मैंने कहा कि पीछे जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसका समअप कर रहे हैं हम, कि यहाँ रिसीव्स पेमेंट अकाउंट आपको गिवन है, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग, एंट्रेंस फी थी जो कि हमारा इनकम है, डोनेशन बिल्डिंग की स्पेशल डोनेशन है वो हमारी लायबिलिटी में जाएगा, लॉ करंट इनकम है और लाइफ मेंबरशिप में हमारी कैपिटल रिसिप्ट है, ये भी हमारी क्लोजिंग बैलेंस में लायबिलिटी जाएगी, प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट इनकम है और सब्सक्रिप्शन हम सब जानते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट है, इनकम है, रेंट वेजेस एक्सपेंस है, इंटरेस्ट पोस्टेज सैलरी सारे एक्सपेंस है, सिवाय इन दोनों के बिलियर टेबल और फर्नीचर दीज आर कैपिटल पेमेंट, तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेस में जाएगी और इन पर डेप्रिसिएशन लगेगी। नीचे पढ़ते हैं, हमें इन्फॉर्मेशन में गिवन है सब्सक्रिप्शन जो पिछले साल की थी वो 1200 आउटस्टैंडिंग थी और 2300 हमारा इस साल का है, तो हम सब जानते हैं जो इस साल का है वो हमारा एक्रूअल बेसिस के सबसे इनकम है बिकॉज हमने सर्विस इस साल की आपको दी है, और जो पिछले साल का है 1200 वो हमने रिसीव तो कर लिया है इस साल 40 में मिला हुआ है, बट इसकी सर्विस हमने आपको लास्ट ईयर दी थी इसलिए ये माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प 300 एंड क्लोजिंग 200, ये बेसिकली कंज्यूम पार्ट का फॉर्मूला है जो पिछले क्वेश्चन में हमने स्ट्रेट अवे नहीं लगाया था, बट मिसिंग मतलब एक थोड़ा सा उसका एक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज थी, बट यहाँ पूरा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ओपनिंग एंड प्लस पोस्टेज जो हमें दे रखी है यहाँ पर वो प्लस एड एंड माइनस क्लोजिंग, और ये कंज्यूम पार्ट हम एक्सपेंस में डालेंगे, ओपनिंग वाला ओपनिंग एसेट में जाएगा, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग एसेट में। हम बात करते हैं रेंट की, 1500 इज रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर एंड इस साल का है हमारा 1500 रुपये, यानी रेंट में ऐड भी होगा 15 और माइनस भी होगा, आंसर सेम आएगा बट आपको करके दिखाना है बिकॉज इसके मार्क्स हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के। अब बात करते हैं ओपनिंग की, 1 अप्रैल को हमारे पास फर्नीचर था 15,000, यानी ओपनिंग में जाएगा, और डेफिनेटली ये जो फर्नीचर वैल्यूड लिखा है इसका मतलब होता है साल के एंड में हमारा 22,500 है, तो ओपनिंग हमारे पास कितना है 15,000, एंड में हमारे पास कितना 22,500, और जो हमने परचेज किया वो है हमारे पास 10,000, तो यहाँ भी हम अपना जो कंज्यूम का पार्ट का फॉर्मूला है, बट यहाँ कंज्यूम पार्ट को हम डेप्रिसिएशन बोलेंगे बिकॉज ये फिक्स सेट है, इसलिए ओपनिंग फर्नीचर प्लस परचेज फर्नीचर माइनस क्लोजिंग जो आएगा वो डेप्रिसिएशन होगा, उसको हम एक्सपेंस सेट में दिखाएंगे। दूसरा, 1 अप्रैल को क्लब ने लोन लिया है 20,000 का, 10% इंटरेस्ट है, और ये लोन हमने 16-17 में लिया है यानी साल के स्टार्टिंग में, तो पूरे साल का इंटरेस्ट हम 20,000 का 10% जो 2,000 है हम पूरा का पूरा इंटरेस्ट देंगे और उसको हमारा एक्सपेंडिचर में हम शो करेंगे फुल, ठीक है। तो बात करते हैं सॉल्यूशन की, अब क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिया और इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको वीडियो के एंड में भी प्रोवाइड करूंगा ताकि आप इसको एक साथ पढ़ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट की, ओपनिंग बैलेंस शीट में हमारे पास सारे ओपनिंग एसेट्स कैश सब्सक्रिप्शन पोस्टेज स्टैम्प फर्नीचर सब कुछ आ गया, और लायबिलिटी साइड पे हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट और लोन जो हमारा गिवन था नीचे एडजस्टमेंट में वो सब आ गया, और लायबिलिटी साइड बड़ी थी इसलिए हमारा क्या आया कैपिटल फंड यानी डेफिशिएंसी आ गई हमारी, ये देख रहे हैं आप डेफिशिएंसी यानी कैपिटल फंड नेगेटिव में आ गया, तो ये बैलेंस शीट के एसेट पे जाएगा और देखना पड़ेगा नीचे इनकम एक्सपेंडिचर से क्या आ रहा है। देखिए सरप्लस आया तो ये सरप्लस उनका क्लोजिंग बैलेंस शीट पे एसेट में से माइनस हो जाएगा, फाइन। अब बात करते हैं इनकम की, इनकम में एंट्रेंस फी है, लॉकर एंड प्रॉफिट एंड डिडेमेंट और सब्सक्रिप्शन में ये फॉर्मूला हमें सबको पता है कि जो इस साल का आउटस्टैंडिंग है वो ऐड होगा और लास्ट ईयर का माइनस होगा, फाइन। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की, अगेन 1500 हम आपको पहले बता चुके हैं ऐड भी होगा क्योंकि इस साल का आउटस्टैंडिंग है, और जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था वो माइनस क्यों कर रहे हैं, हम यहाँ एज्यूम कर रहे हैं कि वो 18 के अंदर ऑलरेडी पे हो चुका है इसलिए माइनस कर दिया। बाकी सारे सिंपल, वेजेस इंटरेस्ट है और पोस्टेज टाइम के लिए हमारा कंज्यूम पार्ट का फॉर्मूला ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग और कंज्यूम आ गया, साथ में सैलरी और डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हम बता चुके हैं 10% हमें लगाना था वो हमें ऊपर गिवन है, फाइन। अब ये साइड बड़ी थी और यहाँ पे हमारा आ रहा है 6100, हम इसको सरप्लस बोल चुके थे पहले बट ये सरप्लस नहीं है डेप्रिसिएशन है, तो यहाँ भी देखिए
डेफिसिट आ रहा है, क्या आ रहा है डेफिसिट, तो अब क्या करेंगे इसको हम कैपिटल फंड और प्लस डेफिसिट दोनों के दोनों एसेट साइड पे लेंगे। हम इसको गलती से सरप्लस मान चुके थे बट सरप्लस नहीं, ये क्या है डेप्रिसिएशन है। और फिर नॉर्मली हमारी हैबिट हो जाती है कि हम इसको सरप्लस एज्यूम कर लेते हैं, बट यहाँ पर डेबिट साइड बड़ी थी और ये हमारा डेफिसिट आया, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड पे। फाइन, अब देखते हैं हमारा बैलेंस शीट कैसे अपीयर करेगी इस क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले बैलेंस शीट के अंदर हम एसेट साइड देखेंगे, कैश इन हैंड क्लोजिंग बैलेंस, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग, बिलिय टेबल जो हमारे पास था इस पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं मेंशन था, और यहाँ 15,000 फर्नीचर एड परचेस लेस डेप्रिसिएशन, और जो पोस्टेज स्टैम्प है वो हमारी 200 जो बच गई थी क्लोजिंग में, और कैपिटल फंड जो था हमारा नेगेटिव आया था इसलिए ऐसे साइड पे आ गया और डेफिसिट इसी में ऐड हो गया। ये एक नया पॉइंट था इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि अगर बोर्ड में आता है तो ये एक हॉट पॉइंट मारा जाएगा, बच्चों को प्रैक्टिस बहुत कम होती है कि कैसे हैंडल करें हम डेफिसिट को और डेफिशिएंसी को। फाइन, देन लायबिलिटी साइड पे डोनेशन फॉर बिल्डिंग है, लाइफ मेच फीस, आउटस्टैंडिंग्स, रेंट एंड लोन, और इस तरह से हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। तो ये था हमारा लास्ट कंक्लूडिंग पार्ट जो हमने नॉट फॉर प्रॉफिट का किया, और अगर कोई मुझे और भी बेहतर क्वेश्चन मिलता है इस दौरान तो डेफिनेटली मैं आपको वीडियो को मैं आपको लेके आऊँगा और जरूर डिस्कस करूँगा कोई भी अगर ऐसा अच्छा क्वेश्चन मुझे मिलता है। बट बोर्ड एग्जाम के लिए मैं कहना चाहूँगा ये चार प्रॉब्लम बहुत सफिशिएंट है, दो मैंने हॉट्स की डिस्कस की है और उससे पहले मैंने बेसिक जो नॉलेज शेयर की है वो सारा का सारा मैं लिंक आपको इस वीडियो में दूंगा, और इन प्रॉब्लम को करने के बाद जो आपने टेक्स्ट बुक कर रखी है वो भी आप पढ़ के जाइए, कोई सैम्पल पेपर्स है उसमें भी करके जाइए क्वेश्चंस, और इस चैप्टर में 10 में से 10 मार्क मुझे लाने हैं। 1 का मेरा थ्योरी है, 3 का मेरा स्मॉल न्यूमेरिकल है, और 6 का एक कॉम्प्रिहेंसिव न्यूमेरिकल। ये तीनों के तीनों अच्छे प्रैक्टिस करके जाइए ताकि आपको बोर्ड में परेशानी ना आए, बिकॉज 80 मार्क्स में से ये चैप्टर खुद ही अपने आप में 10 मार्क का है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, और जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिए, बिकॉज अच्छी चीज़ जरूर शेयर करनी चाहिए, फाइन अपने तक नहीं रखनी चाहिए। तो मैं डॉक्टर विकास विजय आप सभी को बेस्ट विशेष देता हूँ आने वाले एग्जाम्स के लिए, और ढेर सारी शुभकामनाएं, और बनी रही हमारे साथ अगली वीडियोस में, और भी बहुत सारे अच्छे इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा। तो स्टे कनेक्टेड विद मी, तो बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू, एंड जय हिंद जय भारत।